नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां हमने देखा कि तेजी की हैट्रिक लगी है और सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर जाके बंद हुए हैं। निफ्टी पहली बार 12,250 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स की बात करें, 41,600 का स्तर यहाँ पर होल्ड हुआ है। बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर हल्की मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी, जिससे इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है। आज ऑटो और आईटी शेयरों में हमने रौनक देखी है, लेकिन अगर हम बड़े निवेशकों के सौदों की यहां पर कुछ बात कर ले तो FIIs की खरीदारी ने काफी हद तक बाजार में दम भरा है। 739 करोड़ के आसपास की हमने खरीदारी होते हुए देखी है। वहीं अगर DIIs की बिकवाली का आंकड़ा हम देखें तो लगभग 493 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा हमने आते हुए देखा है। तो ये तो हाल रहा आज के कारोबार का, लेकिन अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कल का बाजार में। आज तो हमने बाजार में तेजी का हैट्रिक लगते हुए देखा है। FIIs की खरीदारी काफी जोर शोर से हो रही है, काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आप किस ओर बाजार की दिशा जाती हुई देखती हैं कल? और मेरे हिसाब से थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा जिस तरह से आज का मार्केट हमने देखा, बिकॉज यू नो डेफिनेटली जब मार्केट इस तरह से एक लेवल पे पहुंचता है तो थोड़े बहुत स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़े में बाइंग होती है। जैसे आज हमने देखा कि यू नो समटाइम्स यू नो सम सेक्टर्स चेंज हैंड्स, सम स्टॉक्स चेंज हैंड्स, तो नेट नेट यही होगा कि मार्केट थोड़ा सा मेरे हिसाब से ऊपर ही ड्रिफ्ट होगा, लेकिन थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। ऑलराइट, आपको लगता है रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन आज के सत्र में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद हमने अंत में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, क्या कल तेजी का या ऊंचाई का नया रिकॉर्ड यहां पे टच होता हुआ दिखेगा शर्मिला जी? किसमें? निफ्टी बैंक में? या राइट, या आई थिंक सो। यू नो आई थिंक आज ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यू नो वीकली एक्सपायरी थी तो थोड़े बहुत प्रेशर रहते हैं। हमने देखा है कि एक्सपायरी के दिन और खास करके यू नो वंस अगेन की जब ऐसे बैकड्रॉप में आप मार्केट के को अगर व्यू करें कि सभी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और उसमें बैंकिंग का बड़ा पार्टिसिपेशन है, तो थोड़ी बहुत आज यू नो मुनाफा वसूली हुई है उस वजह से। बट आई थिंक टुमारो निफ्टी बैंक शुड आल्सो रीगेन इट्स हाइज और एक रिस्क ऑन रैली जिसकी हमने थोड़ी बहुत शुरुआत देखी है पूरे ग्लोबली, बिकॉज यू नो मार्केट अब सेंस कर रहे हैं कि चाइना और US एक डील के काफी करीब है। तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू और मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक आल्सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप फिर से एक नया हाई देखें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर नया हाई बनने की भी संभावना है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब चलिए शुरुआत करते हैं आपके सवालों के साथ स्टॉक फटाफट में। राजकोट से राजन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार राजन जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मेरे पास 100 शेयर ADHANPK 3000 के प्राइस पे। ऑलराइट, कितना समय देना चाहेंगे? 6 महीने, 1 साल। चलिए ऑलराइट, शर्मिला जी, HDFC AMC 6 महीने 1 साल ये समय देना चाहते हैं, इससे ज्यादा भी क्या नजरिया बना के रख सकते हैं HDFC AMC में? यू नो यस, आई थिंक डेफिनेटली इसमें वो बने रह सकते हैं। ये बात अलग है कि एक अगर आप वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्टॉक काफ़ी महंगा नज़र आता है, और अगर आप पूरा AMC का बिजनेस कंपेयर करें कि जिस तरह से ग्लोबली किस तरह के वैल्यूएशन मिलते हैं, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ के जो वैल्यूएशन हम HDFC AMC को दे रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन इसकी बड़ी एक वजह यही है कि यही हम उम्मीद कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ज़्यादा ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसा
लगाएंगे और यू नो दैट इज ऑल्सो वन पैरामीटर जहां पर इंडिया में यू नो कम है कि जो इट्स ऑलवेज सीन एज अ परसेंटेज टू योर जीडीपी और उस पैरामीटर पे हम देखते हैं कि काफी रूम है अभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एएमसी बिजनेस के ग्रोथ के लिए और यही हम प्रीमियम ये बिजनेस को दे रहे हैं उसके साथ साथ एचडीएफसी के नाम को तो मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं और आई थिंक धीरे धीरे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज एज अ सेड वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन इस स्टॉक में धीरे धीरे जैसे और लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे इसका वैल्यूएशन भी और उतना अच्छा लगेगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल अहमदनगर से आनंद पूछना चाहते हैं. नमस्कार आनंद. नमस्कार मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, पूछिए. हाँ मैम, मेरे पास एनसीसी के 1000 शेयर से 66 रुपीस के भाव से लिए है. ओके, तो मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? और शर्मिला जी, एनसीसी और 66 इनकी बाइंग प्राइस है, 6 महीने का समय और देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से उनको थोड़ा नजरिया बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से हमने चीजें देखी है ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में और खास करके एनसीसी में जिस तरह से चीजें हुई है उनके स्टेट में कि पहले जो ऑर्डर्स थे उनके ऊपर पूरा रिव्यू होगा हुआ था, होल्ड पे रखा था. अब धीरे धीरे चीजें यू नो वहां से प्रोग्रेस हो रही है तो यू नो फॉर द ऑर्डर बुक टू कम बैक इन टू यू नो द वे इट वॉज अर्लियर और एग्जीक्यूशन को उस हिसाब से यू नो टू कैच अप की जिस तरह से चीजें हो रही है और केपेक्स अगर रिस्टोर होने की जिस तरह से बातें हैं इन सब चीजों के लिए मेरे हिसाब से कम आपको 2 क्वार्टर तो रुकना पड़ेगा. तो अगर बट आई थिंक दिस इज अ डिसेंट स्टॉक विद इन द स्पेस और वो बने रह सकते हैं लेकिन एज आई सेड कि शायद 6 महीने का उनको 12 महीना कम से कम होल्डिंग पीरियड करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो आपको अपना नजरिया क्लियरली बढ़ाना होगा. अगला सवाल फेसबुक से हम लेंगे और जबलपुर से गुरजीत का सवाल है और सबसे पहले ऑर्किड होटल्स पे इनका सवाल मैं पूछती हूँ. 76 बाइंग प्राइस है शर्मिला जी. मेरे हिसाब से उनको इसमें से निकल जाना चाहिए. वेरी ऑनेस्टली आई थिंक कि होटल स्पेस में मुझे इंडियन होटल ज्यादा पसंद है. आई प्रिफर लेमन ट्री ऑल्सो. ये सब होटल्स यू नो आई थिंक अगर आपको होटल स्पेस में ही अगर इन्वेस्टेड रहना है तो यू शुड पॉसिबली स्विच टू इंडियन होटल्स. पिकोल पे है और 50 इनकी बाइंग प्राइस है. कौन सा स्टॉक? पिकोल, PRICOL. प्रिकोल, या प्रिकोल में से भी मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए बिकॉज नतीजे खास अच्छे नहीं है. इनफैक्ट लॉस मेकिंग क्वार्टर रहा है और जिस स्पेस में ये कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर के रिकवरी को भी टाइम है तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें से निकल जाए. ऑलराइट, तो निकलने की सलाह है स्टॉक में से लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और मुंबई से रुपेश महाजन क्या फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? रुपेश जी नमस्कार. Hello. जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है मेरे पास 40 शेयर है SBI के 324 के हिसाब बाइंग प्राइस है पर मैं 2-3 वीक का व्यू रख के चलता हूँ सो कैन यू सजेस्ट फॉर दिस वन? ओके, 2-3 वीक्स का व्यू है SBI में. इनकी बाइंग प्राइस शर्मिला जी 324 की है. मेरे हिसाब से SBI उस तरह का स्टॉक नहीं है वेरी ऑनेस्टली जिसमें मैं 2-3 वीक की इस तरह की किसी को भी व्यू रखने को यू नो एडवाइस दूँ. मेरे हिसाब से कि अगर PSU बैंकिंग स्पेस में एक नाम है जो आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में तो वो SBI है. ये बात अलग है कि जो हाल ही में जिस तरह से डाइवर्जेंस की उनकी खबर आई कि जो NPA रिपोर्टिंग में उन्होंने जो डाइवर्जेंस का फिगर रिपोर्ट किया वो काफ़ी हाई था और वो थोड़ा बहुत आई थिंक इन्होंने डेफिनेटली डेंट्स की जिस तरह से आप पूरे SBI के बैलेंस शीट को देखते हो. लेकिन ये बात भी उसके साथ हुई कि जिस तरह से रिकवरी की प्रोसेस अब चालू हुई है एक हमने देखा कि एक जो बड़ा पेमेंट था आर्सेलर मेटल से वो ट्रांसफर हुआ है और उसका डेफिनेट फायदा शायद सबसे ज्यादा फायदा SBI को ही होगा क्योंकि इस तरह के जो नाम है जिनके साथ SBI यू नो हैज बीन इन टॉक्स फॉर ओवर सो मेनी ईयर्स उनमें एक बड़ा नाम ये था और इस तरह के अगर 1-2 बड़े केस भी अगर सुलझा सकते हैं वो अगले साल में तो इट विल बी अ डेफिनेट पॉजिटिव फॉर SBI. तो मेरे हिसाब से वंस अगेन एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए और इसमें बने रहना चाहिए. लॉन्ग टर्म व्यू का रख के आप इस स्टॉक में देख सकते हैं. अगला सवाल जलगांव से सुधाकर फिरके का हम लेंगे और इनका सवाल स्टरलाइट टेक पर है और ये फोन लाइन पर हमारे साथ है. नमस्कार, बताएं आपने स्टॉक में किस लेवल पर खरीदारी कर रखी है? सुधाकर जी
हाँ बोलो। हाँ पूछिए, क्या सवाल है जी? आपकी आवाज आ रही है। मेरे पास दोस्तों देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। हाँ पूछिए, क्या सवाल है जी? आपकी आवाज आ रही है। मेरे पास यानी 300 शेयर अपने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के है, वो 325 रुपए से बाइंग किया है। ओके। और अभी तो उसको 111-12 का भाव चल रहा है। राइट राइट। तो क्या करना चाहिए, निकल जाए या रहे या कुछ अलग या एवरेज करे? ओके शर्मिला जी, बहुत ऊंचे भाव पे पोजीशन बना रखी है 325 स्टरलाइट टेक। हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक कि शायद हाईएस्ट प्राइस पे उन्होंने लिया होगा, और हमने देखा था कि उस समय जब स्टॉक उस लेवल पे था तो जिस तरह से खबरें यू नो बहुत इट वाज अ वेरी मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक, लेकिन जो पूरा ऑप्टिक फाइबर स्पेस जिसमें ये कंपनी है उसमें ही हमने एक पूरा स्लम देखा, और वहां से उनकी जो नंबर्स वगैरह थे उसमें काफी गिरावट आई, और यू नो द एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस रियली, जो जिस तरह से आउटलुक था तो उसमें से ये पूरे स्टॉक प्राइस में इरोजन हुई है अलॉन्ग विद अ होल लॉट ऑफ अदर मिड कैप स्टॉक्स। लेकिन अब ऐसे नजर आ रहा है कि जिस बिजनेस में वो है उसमें थोड़े थोड़े सुधार आ रहे हैं, उसके साथ उनका एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की भी बात है, तो मेरे हिसाब से अब उनको इसमें बने रहना चाहिए, बिकॉज ये प्राइस से उनको थोड़ा बेहतर रेट मिल सकता है गिवन द फैक्ट दैट फाइनेंशियल्स आर इंप्रूविंग। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि शायद 300 के लेवल उनको देखने मिले, लेकिन आई थिंक मौजूदा लेवल से यहाँ पर एक यू नो थोड़ी थोड़ा स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, तो उस लिहाज से आई थिंक वो उनको बने रहना चाहिए। सो आई थिंक यू नो प्योरली फ्रॉम वेयर द स्टॉक प्राइसेस आई थिंक दिस इट वुड बी अ रॉन्ग टाइम टू सेल, तो अभी के लिए बने रहे, थोड़ा समय आपको देना होगा, आप बने रहिए फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और देहरादून से शुभम फोन लाइन पे है। नमस्कार शुभम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए। मैम मैंने IRCTC का से 120 शेयर लिया है, 866 की बैंक प्राइस है, और ये 900 के करीब अभी काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक साल का व्यू क्या करें? शर्मिला जी, IRCTC एक साल का व्यू 866 की इनकी खरीद है। मेरे हिसाब से वंस अगेन बने रह सकते हैं। आई थिंक IRCTC शायद हमने पहले भी बात की है इस शो पर, एक मुझे पसंद आने वाला स्टॉक है। जो तीन वर्टिकल्स है जो ये कंपनी चलाती है, वन इज दैट ऑनलाइन टिकटिंग, वन इज द केटरिंग इन रेलवेज, तो तीनों में उनका एक मोनोपोली सिचुएशन है, और हम देखते ही है कि किस तरह से डिमांड है पूरे यू नो रेलवे बुकिंग किस तरह से जल्दी बुक हो जाते हैं रेलवे सीट्स, और पहले एक चार्ज रहता था जो बीच में वेव किया गया था, अब वो चार्ज फिर से आ गया है कि सो इफ यू बुक अ टिकट ऑनलाइन तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है, तो उस चार्ज से ही उनके एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी में उनको एक यू नो लाइक दे स्टार्ट बिल्डिंग अ कैश रिजर्व। तीसरी जो बिजनेस वो सोचते हैं कि जिसमें जाना कि दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ बिड फॉर लग्जरी ट्रेन्स, और ये एक ऐसा कारोबार है जो ग्लोबली बहुत अच्छा काम करता है, तो यू नो ये उम्मीद है कि RCTC भी इसमें बिल्ड कर सकती है। सो इट्स अ यू नो इट टिक्स रियली ऑल द बॉक्सेस, कोई डेट नहीं है, कैश फ्लो है, मोनोपोली है, तो बिल्कुल बने रहे, और थोड़ा पेशेंस रखे बिकॉज शायद थोड़े ऊपर के प्राइस में इन्होंने लिया है, बट यू नो द अर्निंग सर्टेनली जस्टिफाई कि आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भिलवाड़ा से विनोद तोशनीवाल फोन लाइन पर है। नमस्कार विनोद जी, चलिए इनका सवाल वैरक इंजीनियरिंग पर है, और शर्मिला जी इनकी बाइंग प्राइस 460 की है। हाँ बिल्कुल, सो आई थिंक वंस अगेन हियर हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स इस टाइम थे वो इस क्वार्टर के वो इतने अच्छे नहीं थे जिससे स्टॉक प्राइस में गिरावट आई, और ये पूरा स्पेस वंस अगेन ऑटो एंसिलरी स्पेस, क्योंकि ऑटोज नहीं बिक रहे हम देख रहे हैं कि एंसिलरीज पर भी उसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि यू नो इसमें नंबर्स कम है लेकिन इतने कम नहीं है, और एक गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर एक दो क्वार्टर के बाद हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऑटो नंबर्स फिर से यू नो वंस द BS6 वरीज आउट ऑफ द वे धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू होंगे, और ये बाकी आई थिंक ठीक ठाक कंपनी है, तो अगर उनका उस तरह का नजरिया है एक डेढ़ साल का तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बरेली से जय अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। जय नहीं?
हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर है 518 के प्राइस पे, 500 शेयर। ओके, और मैम मैं इसका वन मंथ का व्यू जानना चाह रहा था। ऑल राइट शर्मिला जी, एक ही महीना इनको रहना है एमएनएम में, इनकी जो बाइंग प्राइस है 518 है। वेल दिस इज अ स्टॉक आई लाइक, लेकिन वेरी ऑनेस्टली मेरा एक महीने का व्यू नहीं है, बिकॉज आई डोंट रियली, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे स्टॉक्स को देखती हूँ और मुझे नहीं लगता कि एक महीने में इस तरह से कोई चीजें बदलेगी, यू नो, फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा, गिवन द फैक्ट कि वो फार्म इक्विपमेंट और सीवीज ज्यादा उनका फोकस है और एसयूवीज एक्सेट्रा, तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी इन तीनों वर्टिकल्स में रिकवरी आएगी, बट एट दिस प्राइस आई सर्टेनली लाइक द स्टॉक। चलिए थोड़ा सा और लंबा नजरिया आप इसमें रख सकते हैं। अगला सवाल एसएमएस के जरिए कोलकाता से नयान का लेंगे, और जीआरएसई में उन्होंने खरीदारी कर रखी है 208 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में, 208 इनकी जो बाइंग प्राइस है, वो आपको कैसी लगती है शर्मिला जी? दिस इज गार्डन शिप बिल्डर्स, राइट? राइट, तो वेरी ऑनेस्टली ये पूरा शिप बिल्डिंग स्पेस मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये स्टॉक ऊपर जा रहा था क्योंकि हम जिस तरह से कवरेज सुन रहे थे पूरे पीएसयू डाइवेस्टमेंट को लेकर और एससीआई को लेकर, सो इट्स रियली अ मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक, और मेरे हिसाब से अगर उनके पैसे बन रहे तो इसमें से निकल जाना चाहिए। अगला सवाल सूरत से अमित पूछना चाहते हैं। अमित, चलिए फोन लाइन पर है नहीं, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। बंधन बैंक शर्मिला जिन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 518 है। और मेरे हिसाब से वन सेकेंड बने रह सकते हैं, स्पेशली अगर उनका नजरिया एक साल के ऊपर का हो इस तरह से, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि यू नो जो अभी जो नए बैंक हम कह सकते हैं जिनका लिस्टिंग यू नो पिछले एक डेढ़ साल में हुआ है, उनका थोड़ा एक ये पीरियड जो रहा है उनके लिए ये थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, सिंपली बिकॉज एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग विद यस बैंक और आरबीएल, और इसका पूरा एक झलक इन सब बैंक्स पर और उनके एनपीएस को लेकर इस तरह की भी चिंताएं रही, बट आई थिंक इन दैट सेंस बंधन बैंक इज फेली डिसेंट, तो वो इसमें बने रह सकते हैं। और राइट, चलिए तो आपको रुकने की सलाह, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कल का बाजार में ब्रेक के बाद बताएंगे आज की वैल्यू पिक, बने रहें। दोस्तों और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ ₹20। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, और हमारी इस पहल का मकसद है कि आप अपने पैसों को लेकर सही फैसले ले सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आज शो में चर्चा करेंगे पेनी स्टॉक्स की, और पेनी स्टॉक्स को ऑपरेटरों के जरिए आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है। अक्सर छोटे निवेशक अपने गाढ़े पसीने की कमाई ऐसे शेयरों में खत्म कर देते हैं। तो शर्मिला जी हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। शर्मिला जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की, सबसे पहले पेनी स्टॉक्स का मतलब आप दर्शकों को कैसे समझाएंगी? आई थिंक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है, लेकिन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सीधी बात यह है कि अगर ₹10 के नीचे कोई स्टॉक है तो उसको पेनी स्टॉक मानना चाहिए। सो वेरी सिंपली, फॉर एनी रीजन अगर आप ऐसे स्टॉक को खरीदने की सोचते हो जो ₹10 के नीचे है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक पेनी स्टॉक ले रहे हो। ऑल राइट, अब ये बताएं कि पेनी स्टॉक्स की पहचान हम कैसे करें? आपने एक वैल्यू तो बता दी है हमें, लेकिन इसके अलावा अगर इससे बचना हो तो कैसे बचा जाए? सो वेरी ऑनेस्टली कि अगर आप सोचे लॉजिकली कि कोई स्टॉक ₹10 के नीचे क्यों जाता है, तो इसकी अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट अगर किसी स्टॉक को इस तरह इसमें कोई भी स्टॉक में बिकवाली हुई है तो उसकी कोई तो वजह होगी, तो या तो उसके नतीजे खराब आए होंगे, या तो उसके लॉस होगा, या तो उसके शेयर्स फ्लैश्ड होंगे, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होगा, या कोई बड़ा कर्जा लिया होगा जो और प्रॉफिट्स भी नहीं है तो पूरी तरह से सब बिजनेस ठप है, या उस तरह की कोई बड़ी घटना हुई होगी जिस वजह से स्टॉक प्राइस वॉट एवर इट यूज टू बी उससे अब ₹10 के नीचे आ पहुंचा है। अब आपको ये तय करना मुश्किल रहता है कि ये ₹10 के ऊपर कब जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो ये यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्यूएट कि ये स्टॉक ₹10 के ऊपर कब जाएगा।
क्योंकि आपको उस तरह की आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास वो कंपनी के बुक्स नहीं है कि आप उसको स्टडी करें और देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी, डेट कैसे कम होगा, क्या वो सेक्टर में रिवाइवल होगी. और हमेशा ये चीजें एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहती है, इट्स नेवर अ सिंगल फैक्टर, एक कॉम्बिनेशन रहता है जो स्टॉक प्राइस को 10 रुपए के नीचे लेके जाता है. सो आई रियली थिंक फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव उनको पूरी तरह से इससे बचना चाहिए. और ये कभी इस तरह की सोच रहती है हमेशा मैंने देखा है कि हाँ 4 रुपया है स्टॉक, वो 8 रुपया जा सकता है, लेकिन वो 0 भी हो सकता है, एंड इट्स ऑलवेज योर हार्ड अर्न मनी जो 0 हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से इस तरह के स्टॉक से साफ तौर से आपको बच के रहना चाहिए. ये तो बात हुई है पेनी स्टॉक की, लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हमारे वैल्यू पिक की जो लेकर आई है शर्मिला जी. तो देखते हैं आज की वैल्यू पिक. शर्मिला जी, बंपर कमाई वाला स्टॉक कौन सा रेकमेंड कर रही हैं आप आज? सो बंपर कमाई तो मुझे मालूम नहीं, बट यू नो एज वी वर टॉकिंग ऑफ पेनी स्टॉक्स, नाउ आई एम रियली गोइंग टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. और एक ऐसा स्टॉक है जो यू नो लाइक इन योर टॉप 100 स्टॉक्स टाइप ऑफ थिंग, मैं डाबर की बात करने वाली हूँ. और हमने देखा ये है कि किस तरह से वैल्यूएशन FMCG को FMCG कंपनीज को मिल रहे हैं, और इसकी वजह यही है कि जो कंज्यूमर स्टेपल्स हम मानते हैं, तो स्लो डाउन अगर आता भी है तो इनमें थोड़ा कम आता है, बिकॉज कुछ चीज़ें रहती है जो आपको घर के लिए खरीदनी ही रहती है, और उस तरह की प्रोडक्ट प्रोफाइल डाबर की है. उसके साथ साथ हमने देखा है कि यू नो जो यू नो देयर होल आयुर्वेदिक और बबूल का जो उनका जो एक रेंज था उसको वो अब एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो पतंजलि के आने से वो एक बड़ा मार्केट खुल गया है सभी कंपनीज के लिए, और डाबर भी अपना रेंज उसमें यू नो देयर एक्सपैंडिंग द रेंज. उसके साथ साथ वो अपना विलेज प्रेजेंस भी बढ़ा रहे. तो जितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा होगा उतने आपके प्रोडक्ट्स बाहर ज्यादा जाएंगे और आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है. तो ऐसी तीन चार बड़ी वजह है जिससे ऐसे लगता है कि जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी वो अब बॉटम आउट हुई है, और यहाँ से आगे हम अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे डाबर में. सो दैट्स द स्टॉक आई एम गोइंग विद, एंड आई वुड हैव अ टारगेट ऑफ 550. और राइट, डाबर आपकी आज की वैल्यू पे, और 550 का टारगेट आप रेकमेंड कर रही हैं. इसी के साथ हम शो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले शर्मिला जी, आपकी आज कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? Yes, I think the stocks that I've discussed, I could be having a holding in them and I could have recommended them to clients. शुक्रिया समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए. और कल का बाजार में इसी के साथ मुझे भी इजाजत है, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही बने रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए. नमस्कार. इसके सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा. ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये. और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया. तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए.